बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जॉब वर्ल्ड में आप सबको वेलकम। तो दोस्तों, आज जिस जॉब की इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है पाकिस्तान आर्मी की जॉब। तो पाकिस्तान आर्मी में बहुत ही जबरदस्त जो जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मिडिल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट वाले, मास्टर्स वाले, बैचलर्स वाले, यहाँ पर सारे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त जॉब है, परमानेंट जॉब है और इनके सैलरी पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, सिंपली आपको करना क्या है, कोई सा भी ब्राउजर यूज करते हुए आपने educatives.com लिखना है तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आप कीवर्ड की मदद से भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप क्या MCQs भी सर्च कर सकते हैं। अगर जॉब्स की बात करें तो ये कवर करती है वेबसाइट इस्लामाबाद जॉब्स को, पंजाब जॉब्स को, सिंध जॉब्स को, KPK जॉब्स को, तो बेसिकली ये पूरे पाकिस्तान की जॉब्स को कवर करती है। और अगर MCQs आपको सर्च करने हैं और लास्ट से रिलेटेड जनरल नॉलेज, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर सारे आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं जिस जॉब की बात कर रही हूँ आर्मी जॉब की, तो इसके लिए आपको करना क्या है, सर्च बार में पाकिस्तान आर्मी एयर बेस्ड जॉब ये आपको लिख के सिंपली और सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पहला लिंक शो हो रहा है वो पाकिस्तान आर्मी सिविलियन जॉब्स मार्च 2020 फॉर आर्मी एयर बेस सेंटर मलीर कैंट कराची लेटर सिंह, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो आप इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो कराची जॉब्स हैं, सिंध जॉब्स हैं, पाकिस्तान जॉब्स हैं। और दुनिया न्यूज़पेपर में इसका ऐड आया है, इसकी पब्लिक डेट 27 मार्च है, जबकि इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 अप्रैल है। और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पाकिस्तान आर्मी जॉब्स हैं और एजुकेशन यहाँ पर बीए, बीएससी वाले, इंटरमीडिएट वाले, मैट्रिक वाले, मिडिल, प्राइमरी सारे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्योर गवर्नमेंट बेस्ड जॉब है, आर्मी जॉब्स हैं और फोर्सेज जॉब हैं। यहाँ पर इसके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी मौजूद है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर असामियों के नाम भी मेंशन है, कौन से स्केल की हैं और कितनी तादाद है, कौन से डोमिसाइल वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तालीमी काबिलियत और तजर्बा और साथ में ही कितनी उम्र के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहली पोस्ट है वो है सिविल हेड क्लर्क की, तो ये 15 स्केल की जॉब है और इसमें जो असामी है वो एक है। तो मेरिट की इसकी ये है, यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बीए बीएससी जो है वो एजुकेशन रिक्वायर्ड है और यहाँ पर 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई रिटायर्ड है जो यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन है, वो लोग 45 से 50 साल के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट पोस्ट है वो यहाँ पर स्टाइनोटाइपिस्ट की है, ये 14 स्केल की जॉब है, इसकी एक ही यहाँ पर असामी है और पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो एजुकेशन रिक्वायर है वो इंटरमीडिएट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो 80 वर्ड पर मिनट जो है टाइपिंग स्पीड यहाँ पर इन्होंने रिक्वायर की है और 18 से 30 साल के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे है खतीब की, तो ये 14 स्केल की जॉब है, इसकी एक असामी है, यहाँ पर ओपन मेरिट पर है और यहाँ पर जो होगा मैट्रिक के साथ आपको निजामी का कोर्स होना चाहिए और यहाँ पर 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो आगे है ये UDC है, यहाँ पर ये 11 स्केल की जॉब है, इसकी 10 असामियां हैं, ठीक है, मेरिट की एक है, पंजाब की 6 सीटें हैं, खैबर पख्तूनख्वा की एक है, सिंधही की एक है और आजाद जम्मू कश्मीर की एक सीट है। तो जो एजुकेशन रिक्वायर है वो इंटरमीडिएट, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट के साथ यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और 18 से 30 साल के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सिविल इंस्ट्रक्टर, तो इसकी बात करें तो ये 11 स्केल की जॉब है, इसकी 4 असामियां हैं, पंजाब की 2 है, खैबर पख्तूनख्वा की 1 है, सिंधही की 1 है। इंटरमीडिएट वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 18 से 30 साल के। अगली जो पोस्ट है वो रेडियो टेक्नीशियन की है, ये 11 स्केल की जॉब है और यहाँ पर इसकी 2 असामियां हैं, मेरिट की 1 है, यानी कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और पंजाब की 1 है। तो यहाँ पर भी जो एजुकेशन है वो इंटरमीडिएट रिक्वायर है और 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो DPC सुपरवाइजर की अगर हम बात करें तो ये भी 11 स्केल जॉब के है और यहाँ पर इसकी 3 असामियां हैं, मेरिट की 1 और पंजाब की 2। इंटरमीडिएट होना चाहिए, जो टाइपिंग स्पीड आपको 40 वर्ड पर मिनट तो ये रिक्वायर है इसके लिए और 18 से 30 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर टेक्नीशियन, तो ये 11 स्केल की जॉब है, इसकी 4 असामियां हैं, मेरिट की 1 है, पंजाब की 1 है और KPK की 1 और इसके बाद सिंधही की 1 है। इंटरमीडिएट या DAE का डिप्लोमा इसके साथ रिक्वायर किया है, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर का,
और यहाँ पर 18 से 30 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। व्हीकल टेक्निक मैकेनिक की अगर बात करें तो ये 7 स्केल की जॉब है, इसकी एक असामी है मेरिट पर, तो मिडिल पास यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और अपने काम में महारत रखते हों। और अगर मैथ सुपरवाइजर की बात करें तो ये 10 स्केल की जॉब है, इसकी यहाँ पर 2 असामियाँ हैं, मेरिट की एक और पंजाब की एक। इंटरमीडिएट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 18 से 30 साल के लोग। आगे स्टोरमैन, तो ये 5 स्केल है इस जॉब का और यहाँ पर जो है 9 असामियाँ हैं लोकल। तो लोकल सम्राज यहाँ पर सिर्फ सिंध के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, तो मिडिल पास होना चाहिए और 18 से 30 साल। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो इलेक्ट्रिशियन की है, इसकी जो है यहाँ पर 4 स्केल की जॉब है और 2 असामियाँ हैं। यहाँ पर भी जस्ट सिंध वाले अप्लाई कर सकते हैं और प्राइमरी इसमें एजुकेशन रिक्वायर है। अगली जो है वो आया की जॉब है यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी एक असामियाँ और लोकल यहाँ से सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं 18 से 30 साल। और जो लास्ट असामियाँ यहाँ पर वो स्वीपर की है, इसकी जो है 4 असामियाँ हैं यहाँ पर और लोकल है और प्राइमरी यहाँ पर एजुकेशन रिक्वायर है और 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है वो सारा आपके सामने है, आप इस नोट में पढ़ सकते हैं। तो मैं आपके सामने साथ शेयर करती चलूँ कि यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए करना क्या होगा। सबसे पहले आपको एक दरख्वास्त लिखनी है, दरख्वास्त में आपने क्या लिखना है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी तमाम डिटेल्स वहाँ पर लिखेंगे। उस दरख्वास्त के साथ आपने क्या लगाना है, अपना डोमिसाइल लगाना है, उसके डोमिसाइल की कॉपी लगानी है, उसके साथ आपका शिनाख्ती कार्ड जो होगी उसकी कॉपी होगी और उसके साथ ही आपने जो होगा 200 का पोस्टल ऑर्डर। तो पोस्टल ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है पोस्ट ऑफिस और वहां जाकर आपने अकाउंट ऑफिस में जो आर्मी एयर डिफेंस सेंटर के नाम पर आपने 200 का पोस्टल कार्ड लेना है, उसे भी साथ अटैच करना है। उसके साथ आपने अपनी तालीमी असनाद जो है तस्दीक शुदा यानी कि अटेस्टेड कॉपीज वो आपने अटैच करनी है और अपनी इन सबको आपने अटैच करने के बाद क्या एक इन्वेलप में डाल देना है। इन्वेलप में डालने के बाद आपने एक साइड पर अपना नेम लिखना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है और उसके बाद साथ ही आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है और दूसरी तरफ आपने सेंड टू लिखना है। सेंड टू कहाँ पे आपने करना है, हेडक्वार्टर्स आर्मी एयर डिफेंस सेंटर मलीर कैंट कराची, यहाँ पर आपने सेंड कर देना है तो आपका अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद जो आपकी टेस्ट डेट है वो 14 अप्रैल को आपका रिटर्न टेस्ट होगा और जो से कैंडिडेट इस रिटर्न टेस्ट को क्लियर कर जाते हैं उनका इंटरव्यू होगा 16 अप्रैल को। तो दोस्तों ये थी आज की कंप्लीट और डिटेल्ड वीडियो के पाकिस्तान आर्मी में जो जॉब्स आई हैं यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियो से अपडेट रहने के लिए जॉब वर्ड के साथ अप टू डेट रहें। अब तक के लिए मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।